दोस्तों, बॉलीवुड के किंग यानी कि शाहरुख खान अपनी फिल्मों के साथ साथ अपनी हाजिर जवाबी और संभल कर मुद्दों पर बोलने की वजह से सुर्खियों में आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी शाहरुख खान का बोलना उन पर खुद पर भी हावी पड़ जाता है। एक बार शाहरुख खान ने अपने बेटे आर्यन को लेकर कुछ ऐसी बातें बोल दी जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी काफी खिंचाई की गई थी। शाहरुख खान का अपने बेटे पर दिया गया स्टेटमेंट उन पर ही भारी पड़ गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर शाहरुख खान ने ऐसा क्या बोला था अपने बेटे के बारे में जिसको लेकर उनको काफी ट्रोल किया गया था। शाहरुख खान ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो चाहते हैं कि उनका बेटा आर्यन वो सारे गलत काम करे जिसे वो खुद जवानी में नहीं कर पाए। उनका कहना था कि वो चाहते हैं कि आर्यन बड़े होकर ड्रग्स ले या फिर सेक्स करे। जी हाँ दोस्तों, शाहरुख खान ने ये सब बातें की थी अपने इंटरव्यू में जो कि 1997 में हुआ था। इस टॉक शो में उनके साथ गौरी भी पहुंची थी। गौरी ने तब कुछ टाइम पहले ही अपने बेटे आर्यन को जन्म दिया था। इस मौके पर शाहरुख और गौरी से उनके बेटे के बारे में बात की गई तो शाहरुख खान ने यटपटा सा जवाब दिया। इंटरव्यू के दौरान शाहरुख खान से जब ये पूछा गया कि वो आर्यन का पालन पोषण कैसे करेंगे तो इसके जवाब में शाहरुख खान ने बोला कि आर्यन 3-4 साल का हो जाएगा तो मैं उसे कहूंगा कि लड़कियों के पीछे जा सकता है, ड्रग्स ले सकता है, यहां तक कि सेक्स भी कर सकता है। बेहतर हो कि वो ये सब जल्दी से ही शुरू करे जो मैं नहीं कर सका। अगर आर्यन घर से बाहर जाता है तो मैं चाहूंगा कि मेरे साथ काम करने वाले लोग जिनकी बेटियां हैं वो आकर मेरे पास शिकायत करें। जी हां दोस्तों, ये अटपटा सा इंटरव्यू दिया था शाहरुख खान ने अपनी बेटी को लेकर जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर खिंचाई की गई थी। वैसे आपको बता दें कि आर्यन जो कि शाहरुख खान के बेटे हैं अब ग्रेजुएशन कर चुके हैं, वो हूबहू अपने पिता शाहरुख खान की तरह ही नजर आते हैं। आर्यन खान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी पसंद की जाती हैं। इसके साथ ही फैंस आर्यन के बॉलीवुड डेब्यू का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।